नमस्कार दोस्तों, GSFC गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड जो 1962 में इंकॉर्पोरेट हुई थी, जो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ये फर्टिलाइजर एंड प्लास्टिक सिंथेटिक रबर तथा मैन मेड फाइबर जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का मार्केट शेयर को अगर देखें तो APS फर्टिलाइजर में 8% का मार्केट शेयर कैप्चर करता है, AS फर्टिलाइजर में 16% का मार्केट शेयर, कैप्रोलैक्टम में 56% का मार्केट शेयर और DAP फर्टिलाइजर में 6% का मार्केट शेयर कैप्चर करता है GSFC। वही अगर कंपनी के फंडामेंटल रेशियो पर एक नजर डालें तो जिसमें स्टॉक का मार्केट कैप 9,980 करोड़ का है, स्टॉक का करंट प्राइस 250 रुपए करीब जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, वही इसका ROCE 13.4% व ROE 10.9% के करीब है। कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है 2.34 करोड़ का, वही इसका डेट टू इक्विटी रेशियो वह 0 है। कंपनी के पास जो कैश इक्विवेलेंट्स है वो 2392 करोड़ का है, इसका बुक वैल्यू 307 रुपए, स्टॉक का पी रेशियो 13.4, वही इसका इंडस्ट्री पी रेशियो 24.4 है, जो इंडस्ट्री पी रेशियो के मुकाबले इसका स्टॉक पी रेशियो अभी कम है, वही भी PG रेशियो मात्र 0.6 है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 3.99% है, वही कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू 432 रुपए है। इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब जिसे कभी कभी रियल वैल्यू भी कहा जाता है, जो स्टॉक के एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट करता है। वही अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें जिसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी मार्च 2024 में 37.84% थी, वही FIs की हिस्सेदारी दिसंबर 2023 में 19.82% से घटकर मार्च 2024 में 14.12% हो गई है। वही DIS की हिस्सेदारी 4.55%, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 5.65% व पब्लिक की हिस्सेदारी दिसंबर 2023 में 33.04% से बढ़कर मार्च 2024 में 37.84% हो गई है। वहीं इसके टेक्निकल चार्ट को देखें, जो डे फ्रेम पर अभी स्टॉक का करंट प्राइस 250 रुपए करीब है और आने वाले समय में ये स्टॉक अपने हाई को टच करता दिखेगा, जो 320 रुपए करीब है। अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो बहुत जल्द ये अपने हाई 320 के पार दिखेगा। को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।